नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर का अगला वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। इसमें कुल मिला के 26 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। प्रश्नों को हल करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन है 78, 79, 81, 86। तो बताइए कौन सा है सही जवाब। विकल्पों में सही जवाब कौन सा होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 86। भारत का स्थान है 86। सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? जापान नंबर वन रैंकिंग और नंबर दो सिंगापुर, ये भी याद रखिएगा। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू होगी? मुंबई, कोलकाता, अमृतसर, विजयवाड़ा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू होगी कोलकाता में, ऑप्शन बी। हाल ही में किसे वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है, रोहन बोपन्ना टेनिस। स्मृति मंधाना और रोहन बोपन्ना। भारत के सबसे बड़े महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब है केरल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है तो इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन के हाल ही में बने नए प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, जेम्स मरापे। तो कौन है? बोरिस जॉनसन। किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म शुरू हुआ है? फिर से सुने, दुनिया का पहला तैरता हुआ डेयरी फार्म। ऑप्शन है रूस, जर्मनी, अमेरिका, नीदरलैंड। सही जवाब है नीदरलैंड। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? रशिया में। जापानी इंसेफ्लाइटिस और अक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इसके जो है अगेंस्ट जो है एक अभियान चलाया गया है, दस्तक अभियान। तो उसका दूसरा चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सातवें का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। दस्तक अभियान अगर आ जाए तो आंख बंद करके उत्तर प्रदेश पर निशान लगा दीजिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में, जो कि भी हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, गोल्डन बैट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इयान मॉर्गन, केन विलियमसन, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा। गोल्डन बैट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सही जवाब है रोहित शर्मा। वर्ष 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन है आपके सामने। नौवे का सही जवाब है जोखा अलहार्थी। किस राष्ट्र की नागरिक है ये? ओमान की। ठीक है, किस पुस्तक के लिए इनको ये मिला है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले प्रीतिचकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? बालकृष्ण दोषी, आर्ता इसुजाकी, दिव्या कर्नाड। सही जवाब क्या है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रीतिचकर आर्किटेक्चर अवार्ड, आर्किटेक्चर का नोबेल अवार्ड है ये, आर्ता इसुजाकी को दिया गया है, जापान के। ठीक है, आर्ता इसुजाकी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 43वां को रख लीजिएगा, गोला बना लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 43वां सत्र कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ बाकू अजरबैजान, जहाँ पर कुल 29 स्थलों को मार्क करके उनको शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 43वां सत्र संपन्न हुआ है बाकू अजरबैजान। अगले साल जो है 44वां सत्र होगा फुजोउ चीन में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर रहेगी? चार ऑप्शन है आपके सामने, 6.6%, 6.8%, 7%, 7.1%। तो आर्थिक सर्वेक्षण पे भी प्रश्न जो है बन सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 7%। थीम क्या रही है आर्थिक सर्वेक्षण की? शिफ्टिंग गियर्स, इसको भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन ISA का पहला संयुक्त सुरक्षा ZLEX 19 कहाँ आयोजित हुआ? रियाद, रोम, डकार, अबुधाबी। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अबुधाबी में है और यहीं पर ये आयोजित हुआ ZLEX 19, इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। हो सकता है कि ये आपको कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम लगे UPPCS के कोडिंग करके दे दे, इसलिए आपको पता होना चाहिए ZLEX 19 क्या है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन का संयुक्त सुरक्षा जो है सम्मेलन है वो अबुधाबी में हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई से 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? 29 जुलाई से याद रखिएगा, 29 जुलाई से 7वीं आर्थिक जनगणना शुरू हुई है। तारीख UPPCS में पूछ लेता है, आर्थिक जनगणना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये शुरू हुई है त्रिपुरा से, ठीक है, त्रिपुरा ऑप्शन सी। बाकी सभी राज्यों से होते हुए जो है इसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। फिलहाल कहाँ से आरंभ हुई है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क फिल्म फेस्टिवल 2019 में किस बंगाली फिल्म को 4 पुरस्कार मिले हैं, सर्वाधिक पुरस्कार? 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हामी, नूरजहां, दृष्टिकोण, नगर कीर्तन। सार्क फिल्म फेस्टिवल 2019 में किस बंगाली फिल्म को 4 पुरस्कार प्रदान किए गए? नगर कीर्तन को, ऑप्शन डी। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में कब से लागू होगी? तारीख दी हुई है और इस तरह से ही UPPCS में पूछा जाता है, तो बताइए। वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे देश में कब से लागू होगी? 1 जुलाई 2020। हाल ही में कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी है? 32, 34, 37, 38। वर्तमान में 31 है, तो इसे बढ़ाकर कितने की मंजूरी दी है? एक बार बता दूं कि संसद बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। तो सिर्फ इसमें इंक्रीज किया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। फिलहाल बढ़ाया गया है, तो 31 से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है UPPCS में। तो सही जवाब है 34। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड किस भारतीय पत्रकार को प्रदान किया गया है वर्ष 2019 का? तो ये है रवीश कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड पर प्रश्न बन जाता है, इसलिए पता होना चाहिए। हाल ही में 2 अगस्त का करंट है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। UPPCS में बन सकता है और गलत भी काफ़ी लोग करके आएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने जो है कुछ और कहा है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है, हाल ही में विश्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितने नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? 2 अगस्त का करंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आई थी रिपोर्ट और दृष्टि IAS के पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं। तो वर्तमान में
जो है 2 अगस्त को विश्व बैंक की जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि एक पायदान पीछे खिसक गया है। जी हाँ, और फ्रांस आगे आ गया है। ठीक है, तो ये 2 अगस्त का करंट है, जबकि बजट में भारत सरकार द्वारा जो है भारत को 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। अगर विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पूछा जाए 2 अगस्त के करंट के हिसाब से, तो 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और भारत सरकार के बजट के अनुसार 6ठी। लेकिन जो है क्वेश्चन जो बन के आएगा वो मुझे लगता है विश्व बैंक के ऊपर ही बन के आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है ये। किस देश ने पहली बार जानवरों में मानव अंगों के विकास को मंजूरी दी है? सऊदी अरब, जापान, चीन, रूस। जानवरों में मानव अंगों के विकास को मंजूरी देने वाला प्रथम राष्ट्र है वो है जापान। अभी तक सिर्फ जापान ने दिया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। किसे भारत का नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है? भारत का नया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या होगा? गिरिराज प्रसाद गुप्ता। ठीक है, राजीव महर्षि हमारे कैग हैं और WHO के जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, ठीक है, KK वेणुगोपाल राव जो हैं, इनके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा ये किस पद पर हैं। सरकार ने हाल ही में पायलट बेसिस पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 4 राज्यों में शुरू किया है, कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो है स्पेशली जो है मैंने इस क्वेश्चन को डाला है इसमें, तो आपको बताना है कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, तो इनमें से कौन सा वो राज्य है जहाँ पर ये योजना चालू नहीं गई है, की गई है प्रथम चरण में? तो वो जवाब है नागालैंड। तो नागालैंड की जगह क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रथम चरण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आरंभ की गई है। इसकी तारीख भी मैंने आपको बताई थी, उसको भी याद रखिएगा। वर्ष 2019 में गीता जयंती महोत्सव जो कि कुरुक्षेत्र में होगा हरियाणा के 3 दिसंबर के आसपास, इसमें जो पार्टनर कंट्री है, सहयोगी राष्ट्र है, वो किसे बनाया गया है? नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन तीनों में से सोचिए। गीता जयंती महोत्सव दिसंबर में आयोजित होगा कुरुक्षेत्र हरियाणा, नेपाल जो है वो पार्टनर कंट्री है। वर्ष 2019 का अर्थ ओवर सूट डे कब मनाया गया? ये क्वेश्चन जो है UBPSC में इसी तरीके से पूछा जा चुका है, तो पता होना चाहिए आपको। हर साल जो है अर्थ ओवर सूट डे होता है, इसका मतलब होता है कि उस साल जो पारिस्थितिकी जैव संसाधन है वो मानव द्वारा यूज़ किए जा चुके हैं, जो पृथ्वी द्वारा जो है अलॉट किए गए हैं सभी मनुष्यों के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 29 जुलाई, याद कर लीजिएगा 29 जुलाई अर्थ ओवर शूट डे। प्रोजेक्ट सहारा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। प्रोजेक्ट सहारा तो ये संबंधित है गुजरात से। हाल ही में चर्चा में रही विदिशा बालियान, क्वेश्चन सीधा यूपी से पूछेगा आपसे कि विदिशा बालियान उत्तर प्रदेश के किस नगर से या शहर से जनपद से आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो विदिशा बालियान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आती हैं, ठीक है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की हैं ये। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट अपने आप बन जा हो जाता है ये UBPSC के संदर्भ में। और इन्होंने जो है क्या किया है, क्यों चर्चा में रही हैं ये? क्योंकि ये मिस डैफ वर्ल्ड 2019 के रूप में चुनी गई हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो मिस डैफ वर्ल्ड 2019 हैं ये विदिशा बालियान, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, तो इसको अच्छे से रख लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा ये आपको वीडियो ज़रूर बताएं, कितने प्रश्न के उत्तर आप एग्जैक्ट जानते थे वो भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।